नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में अंकुश हूं मैं। और देखिए, क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते हैं और फिर से बनते हैं। ऐसे कीर्तिमान आए दिन मैचेस में आपको देखने को मिलते रहते हैं। साउथ अफ्रीका आयरलैंड गई है, जिसमें 3 ODI 3 T20 अभी होने हैं, लेकिन ODI के अभी ये तीसरे मैच की मैं कहानी बाद में बताऊंगा। पहले मैच में बारिश हुई, इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए और वहाँ पर मैच हुआ ही नहीं पूरा। और उसके दूसरे मैच में आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 43 रन से हरा दिया। ऐसे कई कारनामे आयरलैंड ने बड़े बड़े मुकाबलों में करके दिखाए हैं, विशेष रूप से इंग्लैंड के साथ तो उनका एक खासा लगाव है। लेकिन यहाँ पर जब तीसरा ODI साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का था, साउथ अफ्रीका आयरलैंड का था, तो साउथ अफ्रीका ने वहाँ पर 347 का टारगेट उन्होंने दिया। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी जितनी मजबूत है, वहाँ पर कीपर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक ने बढ़िया शानदार 91 बॉल्स में 120 किए, जिसमें उनके 11 चौके थे, 5 छक्के थे। लेकिन वहाँ पर जानेमन मलान वहाँ 169 बॉल्स में करके गए, जिन्होंने 16 चौके और 6 छक्के लगाए। तो एक चौका शायद मैं कम ले रहा हूँ, 17 चौके और 6 छक्के। लेकिन इस बड़े बड़े रनों के बावजूद वहाँ पर आयरलैंड हार तो गई, लेकिन एक खिलाड़ी ने आयरलैंड की तरफ से जो बल्लेबाजी की है, उसने अपना कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उसी रिकॉर्ड्स के बारे में हम अभी शुरुआत में इस वीडियो में बात कर रहे थे कि आए दिन कीर्तिमान बनते रहते हैं। हालांकि वहां 276 ही करके वहां पर ख़त्म हो गई आयरलैंड की टीम, लेकिन यहां 70 रन से मैच हारने के बावजूद एक खिलाड़ी ने इस मैच में सारी परफॉर्मेंसेस को फीका कर दिया। नाम है सिमी सिंह। 8वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और वहाँ पर 91 बॉल्स में 14 चौके लगाने के बाद, और चौके सारे के सारे दिशाओं में, ऑफ पे, कवर पे, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, थर्ड मैन, तो हर दिशा में, ग्राउंड के हर कॉर्नर में उन्होंने वो जो शॉट्स लगाए, और उसी शॉट्स के बदौलत वो अपना नाम अब इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में वो अपना अंकित कर चुके हैं। नाम 91 बॉल्स में उन्होंने अपना शतक पूरा किया और इतिहास में ऐसा करने वाले ये पहले बल्लेबाज बने 8वें नंबर पर। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो स्कोर बना है, सर्वाधिक जो रन किसी बल्लेबाज ने बनाए हैं, वो सैम करन, जब भारत आई थी इंग्लैंड की टीम, वहाँ पर सैम करन जब आए थे 95 उन्होंने किए थे, और क्रिस वॉक्स ने भी 95 एक बार किए थे। लेकिन ये बल्लेबाज 91 बॉल्स में शतक कर चुका है 14 चौके लगाने के बाद। अभी तीन ODI मैचेस की सीरीज़ में पहला मैच, जैसे हमने बताया कि बारिश की भेंट चढ़ा, उसके बाद साउथ अफ्रीका 43 रन से जीता, आयरलैंड 43 रन से जीता, माफ़ कीजिएगा, यहाँ इस मैच को साउथ अफ्रीका ने 70 रन से जीती है। लेकिन दिल जीता है यहाँ पे आयरलैंड के इस बल्लेबाज ने, और आयरलैंड धीरे धीरे अपने ODI परफॉर्मेंसेज में इम्प्रूवमेंट कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो T20 सीरीज़ है, क्या साउथ अफ्रीका को यहाँ पर आयरलैंड कड़ी टक्कर जैसे उसने इस ODI सीरीज़ में दी है, तो यहाँ T20 में भी दे पाएगा। बाकी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।